औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड मुख्यालय के गौतम बुद्ध नगर भवन में सोमवार को राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा शिविर लगाकर अभियान बसेरा व पीएमएवाई के अंतर्गत सर्वेक्षित वास भूमि विहीन परिवारों के बीच पर्चा वितरण किया गया, जिसमें हसपुरा प्रखंड से 7 व दाऊदनगर से 3 भूमिहीन परिवारों को एडीएम आशीष कुमार सिन्हा, डीसीएलआर संजय कुमार, हसपुरा प्रभारी सीओ डॉक्टर शोभा कुमारी, राजस्व कर्मचारी दाऊदनगर रंग विजय सिंह ने संयुक्त रूप से पर्चा वितरण किया। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी इस पर्चे को संभाल कर रखें। हमने पर्चे के साथ जमीन की चौहदी, जमाबंदी की रसीद सब संलग्न कर व लेमिनेशन करा कर दे रहे हैं। इस जमीन को कभी भी बेचना नहीं है। लाभार्थियों में हसपुरा से पार्वती देवी, खुशबू देवी, लक्ष्मीनिया देवी, रंजू देवी, चिंता देवी, कमला देवी, जाशो देवी, उर्मिला देवी सहित अन्य को भी पर्चा दिया गया। दाऊदनगर के मधेश्वरी देवी, जीतेंद्र कुमार एवं बसंत कुमार को पर्चा दिया गया। इस मौके पर प्रधान सहायक दाऊदनगर सत्यदेव राम, अंचल लिपिक दाऊदनगर भगवान पासवान एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। सहोदरी देवी, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो इंदिरा आवास कहा जाता है, आजकल उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है, तो उसके लिए आप आवेदन कि मुझे फलना खाता खेसरा का जमीन प्राप्त है, मुझे उपलब्ध कराया जाए, ऐसा आवेदन आप वीडियो साहब को दे दीजिए। आज ही हमारा डीडीसी साहब से भी बात हुआ है कि जिन लोगों को हम पर्चा दे रहे हैं उनको हम आवास की भी सुविधा देंगे। अब पहल आपको करना पड़ेगा, आवेदन आपको देना होगा ब्लॉक में, और ब्लॉक में आवेदन दे करके कम से कम सीओ मैडम को सूचना जरूर दे दीजिए कि हमने ब्लॉक में दे दिया है, ताकि हम लोग भी प्रयास करके आपको यथाशीघ्र इंदिरा आवास उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरा चीज, ये जो पर्चा आप लोगों को आज दिया गया, ये पर्चा आपको गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी को ही माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार सब प्रभारी मंत्री औरंगाबाद के द्वारा दिया जाना था, लेकिन चूंकि हसपुरा प्रखंड हमारा जिला मुख्यालय से काफी दूर था और जिला में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम 9 बजे सुबह में था, ऐसी परिस्थिति में 60 लोगों को लाना संभव नहीं था, तो वैसी परिस्थिति में ही माननीय मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया कि मैं बगल के अंचल का बांट देता हूं, बाकी अंचल को आप यथाशीघ्र आप पर्चा वहां के लाभुकों को